जहानाबाद भाजपा युवा मोर्चा द्वारा धिक्कार मार्च का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। प्रदेश उपाध्यक्ष ब्रजेश तिवारी ने बताया कि नीतीश सरकार अपने वादे के खिलाफ काम कर रही है। इन्होंने कहा था कि महागठबंधन की सरकार बनते ही 10 लाख लोगों को रोजगार देगी, लेकिन ये सरकार रोजगार मांगने वालों पर लाठी गोली का प्रहार कर रही है। ये सरकार निरंकुश हो चुकी है। जो भी लोग अपने अधिकार मांगने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, उन पर गोली लाठी बरसा रही है। जब भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया, उस पर भी सरकार द्वारा लाठी बरसाई गई, जिसमें एक कार्यकर्ता की मौत भी हो गई। जब आम जनता बिजली की मांग करती है तो उस पर सरकार गोली बरसा रही है। यह सरकार तानाशाही हो चुकी है। बिहार में प्रजातंत्र समाप्त हो चुका है। लूट हत्या की वारदात लगातार बढ़ रही है। इन्होंने कहा कि नैतिकता के आधार पर इस सरकार को एक क्षण भी नहीं रहना चाहिए। नीतीश कुमार नैतिकता की बात करते हैं, लेकिन अपने कारनामों पर नैतिकता भूल जाते हैं। एसके मिर्जा, ईशा न्यूज। जो हमारे कार्यकर्ता शहीद हो गए, जो बिहार के नौजवानों के साथ नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने छलावा किया, नीतीश ने कहा, तेजस्वी ने कहा 10 लाख नौकरी देंगे, नीतीश कुमार ने कहा मैं 20 लाख नौकरी दूंगा, लेकिन मिला क्या? यहाँ टोला सेवक गए उनको लाठी मिला, शिक्षक गए उनको लाठी मिला, जो भी जाते हैं यहाँ से नौजवान बेरोजगार अपना रोजगार मांगने, उनको केवल लाठी डंडों से प्रहार किया जाता है, और इसमें सरकार की कोई संवेदना नहीं है। तो इसी विषय को लेकर आज भारतीय जनता युवा मोर्चा ने धिक्कार मार्च नीतीश कुमार को जगाने के लिए और बिहार के नौजवानों को और एक एक जनता के बीच जाने के लिए और एक मैसेज देने के लिए कि बिहार की भारतीय जनता पार्टी जो है बिहार के जनता के साथ है, इसी के लिए आज धिक्कार मार्च का हम लोग निकाले हैं और अपना एक ज्ञापन जिला अधिकारी महोदय को एक शिष्टमंडल सौंपेगा। क्या नाम हुआ? मेरा नाम ब्रजेश तिवारी है, मैं प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ भारतीय जनता युवा मोर्चा।